जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के 2021 के आर्ट साइड के इंग्लिश का पेपर। ये क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन एक शब्द हम और जोड़ रहे हैं, ये आर्ट साइड के इंग्लिश का पेपर है। आकाश यादव ने कमेंट किया था कि आप इंग्लिश का पेपर कैसा होता है ये बताइए, वो ही आर्ट साइड का। तो ये पेपर आप देख लीजिएगा और यही बेस लगभग सिमिलर रहेगा इस बार के आपके एग्जाम में। 80% बेस यही रहेगा, 20% आपका अलग आएगा जो कि हर विषय का अलग आ रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं आर्ट साइड में और किस तरह से क्वेश्चन साइंस साइड की इंग्लिश से अलग होते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। बोला जा रहा है कि आपको दो पैराग्राफ दिए गए हैं, किसी एक पैराग्राफ की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ इसलिए लिखना है क्योंकि ये दोनों में से दोनों जो आपके पैसेज दिए गए हैं, ये पैसेजेस आपकी किताब से ही लिए गए हैं। अगर आप 12th में हैं और साइंस साइड लिए हुए हैं तब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग नहीं लिखना है या व्याख्या नहीं करनी है। वहाँ पर जो आपको पहला पैसेज मिलेगा वो अनसीन पैसेज मिलेगा, जबकि आपको अगर आप आर्ट साइड के हैं तो ये पहला पैसेज आपको मिलेगा। इसमें आपको लिखना है रेफरेंस यानी संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट यानी व्याख्या। आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी अगर आप आर्ट साइड के हैं तो। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप देख लीजिएगा दोनों पैसेज, अगर आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका पहला पैसेज, ये रहा दूसरा पैसेज और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 14-15 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में आपको किसी एक का आंसर देना है। आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद तीन ही है, हाँ तीन ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके 12th में अगर आप साइंस साइड से हैं तब भी आता है। तो तीन में से किसी एक का आंसर आपको देना है। अगर आप साइंस साइड लिए हैं तो उसमें आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, दो में से एक का आंसर देना रहता है और इसमें तीन है तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके लिए आसानी होगी इस पेपर को सॉल्व करने में। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है, ये आर्ट साइंस साइड वालों में नहीं आता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको इसमें दिए गए हैं कुछ शब्द, इन सारे शब्दों में से यहाँ पर क्या भरा जाएगा वो भरना है। इन तीनों चारों शब्दों में से यहाँ पर क्या रहेगा वो भरना है। उसके बाद इन तीनों चारों शब्दों में यहाँ से क्या है ये आपको भरना है, यानी तीसरे क्वेश्चन में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला जाएगा 2021 के क्वेश्चन पेपर के अनुसार। जैसा कि हम बोल रहे हैं 2023 से दो वर्ष बीत रहे हैं तो इस बार पेपर अलग होगा, लेकिन 80% आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की बेस आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसको तैयार कर लीजिएगा और हो सके 2022 का कहीं पर पेपर मिले आपको आर्ट साइड का, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा और 2023 का जो प्री बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है वो तैयार कर लीजिएगा। इससे बहुत ही आसानी होगी आपको पेपर देने में। तीन अगर आप यहाँ से तैयार करके जाएंगे और आपको कुछ नहीं आ रहा है तब भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, आंसर एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14-15 वर्ड्स। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे ए वाला क्वेश्चन दिया गया है, पहले आप वीडियो रोककर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बी और सी दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको और दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, तीनों में से आपको किन्हीं दो क्वेश्चन का आंसर देना है, कितने का, दो का आंसर देना है और वो भी 40 से 50 शब्दों में, ठीक है। ये आप दे लेंगे, आसान क्वेश्चन हैं, आपकी किताब के ही क्वेश्चन हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है अपनी किताब में जो कहानियाँ वगैरह दी गई हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर से अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। ये एक कविता है जो कि आपकी किताब से ली गई है, आपको इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अगर आप एक चीज़ नोटिस की कर रहे होंगे तो अगर आपने क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर दिया है साइंस साइड से, तो जो क्लास 10th वाला पेपर है वही जो पेपर है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। बात यह है यहाँ पर आपको लेसन दूसरा पढ़ना है, इसीलिए कविता और कहानी आपको दूसरी दूसरी मिल रही हैं और सेम टू सेम वही है। जैसे वहाँ पर बोला जाता है कि आप इसमें संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर बोला जा रहा है भैया आप संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कविता में संदर्भ सहित व्याख्या आती है, कविता में यहाँ भी आ रही है। जब हो सकता है यहाँ पर आपको चार लाइन कविता भी लिखने को मिले, लेकिन फिलहाल उसे हम देखेंगे। पहले तो रेफरेंस आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ एंड कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। तो कविताएं आपको कई सारी दी गई हैं, ये ए वाली कविता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ए बी वाली कविता है, यहाँ पर सी वाली कविता है और सी कविता, तीन कविताएं दी गई हैं। तीनों में से जो आपको पढ़ी पढ़ाई लग रही है आपकी किताब से, उसी का आपको रेफरेंस लिखना है, उसी का कॉन्टेक्स्ट लिखना है यानी कि उसी का संदर्भ लिखना है और उसी की व्याख्या करनी है। तीनों का नहीं करना है, एक ही का करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है, जैसे कि आप क्लास 10th में लिखते हैं सेम टू सेम, तो
तो तीनों आपको मिल रहे हैं यहाँ पर चैप्टर, आप किसी का भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ टू एग्जाम्पल्स। क्लास इलेवंथ में आपने पढ़ा होगा ये तीनों अलंकार दिए गए हैं, किसी एक अलंकार की आपको व्याख्या लिखनी, वो क्या कहते हैं, परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन लिखना है। अगर एग्जाम्पल पता है तो आप दो एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर एक गलत किया है इन्होंने काम, कि यहाँ पर वेटेज नहीं दिए हैं कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, वो सारे वेटेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कितने वेटेज का कौन सा नंबर कौन सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेक्शन बी पर आएंगे, आठवें पर, तो आठवें पर आपको मिल रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्टेड फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट में आपको दोनों में से एक को चेंज करना है, उसके बाद ये सारे साइंस साइड के ही क्वेश्चन है, कंबाइन करना है किसी एक को। और सी पर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ये आपको करना है। और डी पर आएंगे तो किसी दो को आपको करेक्ट करना है, करेक्शन त्रुटि मार्जन जो आप हिंदी में करते हैं। उसके बाद इडियम्स एंड फेसेस, ये सारे क्वेश्चन आपके साइंस साइड की इंग्लिश के दिए गए हैं, ग्रामर पोर्शन वाले। उसके बाद ये सारे भी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, सिनोनिम्स करना है, एंटोनिम्स करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वाक्य प्रयोग दिया गया है ना, ये तो है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन योर ओन ब्रिंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। तो माइनर और माइनर दोनों शब्द पढ़ने में सेम लग रहे हैं लेकिन हैं अलग अलग, तो इनका वाक्य प्रयोग करके आपको इसका अर्थ बताना है कि इन दोनों का अर्थ क्या है। अगर आप कीजिएगा तो ब्रैकेट में अगर आप इनकी हिंदी लिख देंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए, इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन कीजिएगा। उसके बाद ये मिल रहा है, गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन 18 वर्ड्स, इन 18 वर्ड्स, ऐसा आपको बोला जा रहा है। और ये ना क्लास 10th का सिलेबस है ना क्लास 12th की साइंस साइड की इंग्लिश का, ये कुछ अलग ही सिलेबस है जो कि आर्ट साइड में ही पूछा जा रहा है। इसमें आपको व्याख्या करनी है इस जो कविता दी गई है इसकी, मेरे हिसाब से यही होगा, इसकी व्याख्या करनी है, या फिर सब्सटेंस आपको बताया गया होगा आपके बोर्ड आपके स्कूलों में क्या है। इसी प्रकार से आपको इस पैसेज की समरी लिखनी है, यानी व्याख्या करनी है, सारांश लिखना है कि कैसा ये चीज़ है, ऐसा बताना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, राइट ए शॉर्ट एसे, एसे आपको लिखना है 120 शब्दों में, किन्हीं पाँचों में से किन्हीं एक टॉपिक पर। फिर यहाँ पर आपको एक मिलान करना है, मिलान करने के लिए मिलेगा। फिर क्या है, आपको एक एसे और लिखने को मिलेगा, पांचों में से किसी एक पर आपको एसे लिखना है। फिर एक अंत में अनसीन पैसेज मिल जाएगा और आप इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी 100 नंबर का पूर्णांक ये है, आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। अभी एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी इसमें साइंस वो आपके ग्रामर पोर्शन के पहले वाले पोर्शन थे, यानी कि लिटरेचर का था, या फिर आप बोल सकते हैं पोइट्री का था, प्रोज का था और सप्लीमेंट्री का था, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके क्लास 10th पर बेस्ड थे। जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके क्लास 12th की साइंस साइड की इंग्लिश पर बेस्ड थे। और जो उसके अलावा है, उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जैसे आपको समरी और सब्सटेंस लिखने को मिला है, फ्री में नंबर देते हैं ये सभी क्वेश्चंस। दो एसे लिखने को मिले हैं, ये भी आपको फ्री में क्वेश्चन देंगे। क्या नहीं आया था क्लास 12th की इंग्लिश से, जो कि साइंस साइड वालों की इंग्लिश होती है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को नहीं मिला और लेटर देखने को नहीं मिला। ये दो चीज़ें मुझे लगता है ऐसी हैं जो देखने को नहीं मिली, और लगभग सारी चीज़ें आपकी सिमिलर थी। अनसीन पैसेज के जो नंबर्स हैं वो साइंस साइड वालों को मिलते हैं, जबकि इसमें अनसीन के साथ साथ आपसे रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों के नंबर्स आपको कंबाइन होकर यहाँ पर मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, सरल लगा होगा। इस क्वेश्चन को पेपर को तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ प्री बोर्ड के मिल जाएँ, 2022 के मिल जाएँ, सारे क्वेश्चन पेपर को आप एक बार देख लीजिएगा, टाइम बहुत ही कम है, तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।